यंगस्टर मतलब क्या 18-19 साल का 20 साल का कोई लड़का या लड़की जिसने अभी एक्चुअल में अपनी जिंदगी को शुरू ही नहीं किया है एक्चुअली और वो अपनी जिंदगी को शुरू करने से पहले ही खत्म कर दे तो दैट मींस कहीं ना कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा है। किस किस लेवल पे हो रहा है? एक पेरेंट्स के लेवल पे हो रहा है। पेरेंट्स को समझना होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पेरेंट्स ही है जो प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये पेरेंट्स ही है जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं बच्चों के लिए। नंबर वन। नंबर टू, उन बच्चों को समझना होगा। कोई 18-19 साल का 20 साल का बच्चा बोल तो रहे हैं बट वो एक्चुअली बच्चा नहीं है। अगर उनके पेरेंट्स उनको सही तरीके से लाइफ का मतलब नहीं भी समझा रहे हैं तो आज की डेट में तो इतने एवेन्यूज ओपन अप हो गए हैं उन बच्चों के लिए जिसकी कोई हद नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारी ये कॉन्वर्सेशन है, मेरी इतनी सारी वीडियोज हैं और मेरे जैसे और पता नहीं कितने लोग हैं जिनकी और वीडियोज हैं, तो उसको देख करके क्या वो एक पर्सपेक्टिव अपने माइंड में ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। क्या वो इतनी सी बात समझ सकते हैं कि भाई अगर आप एक एग्जामिनेशन में फेल हो भी गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? मैं उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाह रहा हूं कि अरे बेवकूफो, अगर तुम्हारा एक एंट्रेंस क्रैक नहीं हुआ तो ये मत समझो कि दैट इज द एंड ऑफ लाइफ। वो ही एक ऑप्शन नहीं है पैसा कमाने का या लाइफ में कुछ बड़ा करने का। जी जी, उससे बेटर लाखों ऑप्शंस है। दिमाग को खोलो, मरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये एक दो ऑप्शंस नहीं है, इंजीनियर, डॉक्टर, और इसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं जिसको अगर आपने क्रैक कर लिया और एक फनल में से हो करके लाखों लोगों में से कुछ हजार का सिलेक्शन होता है, आप उस कॉलेज में घुस गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लाइफ कितनी बढ़िया हो जाएगी, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो लोग उस एंट्रेंस को क्रैक करके प्लेसमेंट के थ्रू उस जगह पर बैठे हैं जहां पर वो बैठना चाहते हैं, तो उन लोगों के कोरा रिव्यूज जा करके पढ़ो, क्या उनकी लाइफ बहुत बढ़िया हो गई है? बिल्कुल, देखने वाली बात है ये। उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन पहले से ज्यादा बढ़ गया है, यानी उनका गोल अचीव होने के बाद में उनकी लाइफ और बुरी हो गई है। Having said that, it's not a norm, ऐसा नहीं है सबकी बुरी हो जाती है। उसमें से कुछ है जिनकी बहुत अच्छी भी हो जाती है और कुछ की बुरी भी हो जाती है। तो ऐसे ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका एंट्रेंस क्रैक नहीं हुआ, उसके 10 साल बाद अगर आप देखोगे तो कुछ है जिनकी लाइफ उनसे, जिनका एंट्रेंस क्रैक हो गया उनसे लाख गुना बेटर भी हो जाती है, कुछ की नहीं भी हो पाती है। तो प्लस और माइनस तो हर जगह है। हाँ। तो इतने परेशान क्यों हो रहे हो? ये बेसिकली एक नैरो माइंडेड अप्रोच है जो हमको फंसा देती है ले जाकर के एक जगह पे। True। उनके पेरेंट्स की भी और उनकी खुद की भी। उनकी खुद की भी। लाइफ का मतलब सिर्फ यही नहीं है आपकी छोटी सी सोच। हाँ। अगर इसमें घुस गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा और नहीं घुसे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, बहुत ऑप्शंस है, बहुत तरीके हैं जिस तरीकों से आगे बढ़ा जा सकता है लाइफ में। यंगस्टर मतलब क्या 18-19 साल का 20 साल का कोई लड़का है।